आज हम पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो आने वाले समय में एनटीए पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिएगा और आप जो भी स्कोर गेट करते हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फॉर ऑल दी पॉलिटिकल साइंस डेली वीडियो अपडेट्स। अगर आप चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड नॉट यूज द टर्म सॉवरनिटी टू लिमिट द स्टेट। किसने राज्य को सीमित करने के लिए संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया। वीडियो को पॉज किया करिए और आंसर्स आप लिखा करिए ताकि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट किए हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, बेंथम, जेएस मिल, टीएच ग्रीन या फिर लॉक। किसने सॉवरनिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। राज्य को लिमिट तो उसने प्रदान की है कि राज्य की शक्तियां सीमित होनी चाहिए, पर संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉक ने सॉवरनिटी शब्द का इस्तेमाल संप्रभुता वर्ड का यूज कहीं भी नहीं किया है। इन्होंने सॉवरनिटी की जगह पर ऑल सुप्रीम पावर शब्द का इस्तेमाल किया है। लॉक ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट कराया था, सामाजिक समझौता या लोगों के बीच में लॉक ने भी कराया था, जिससे कि इनका मानना था कि पीस तो थी, जब स्टेट ऑफ नेचर था उस समय पीस तो थी, लोग प्यार से रहते थे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी विवाद के कारण हमें एक सामाजिक समझौता कराने की ज़रूरत है, जहां पर हम लॉ मेकिंग पावर एक सॉवरेन को दे सकें, एक संप्रभु को दे सकें और वो हमारे लिए लॉ बनाए। पर लॉ के ही पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने नेचुरल राइट्स की बात की थी, प्राकृतिक अधिकार की, कि हम अपने प्राकृतिक अधिकार सॉवरेन को नहीं देंगे, बाकी जिस भी तरह के अधिकार हैं वो सॉवरेन के पास रहेंगे, उसकी ही चलेगी, पर प्राकृतिक अधिकार लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी का वो स्टेट के इंडिविजुअल्स स्टेट के लोगों के पास ही रहेगा। आपको इसका आंसर मिल गया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल लिबरल्स शास्त्रीय उदारवादियों के अनुसार, ए डेमोक्रेसी इज सिनफॉल लिबर्टी, डेमोक्रेसी लिबर्टी के लिए पाप है, डेमोक्रेसी इज अ थ्रेट टू लिबर्टी, लोकतंत्र लिबर्टी के लिए खतरा है, सी है डेमोक्रेसी शुड कंजर्व लिबर्टी, लिबर्टी लोकतंत्र को लिबर्टी का संरक्षण करना चाहिए, डी डेमोक्रेसी डिक्रीजेस द लिबर्टी, लोकतंत्र स्वतंत्रता को घटाता है। अब आपको बताना है कि शास्त्रीय उदारवादियों का क्या विचार था, क्लासिकल लिबरल्स की क्या थिंकिंग थी, आपको यहां पर यह बताना है। यहां पर लोकतंत्र से रिलेटेड उनके थॉट आपको बताना है कि क्या वो लोकतंत्र को सपोर्ट करते थे या उसके अगेंस्ट में थे। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेमोक्रेसी शुड कंजर्व लिबर्टी, लोकतंत्र को लिबर्टी का संरक्षण करना चाहिए, यह शास्त्रीय उदारवादियों का मानना था। अब क्लासिकल लिबरल व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देते थे, ये आपको पता ही होगा, इसीलिए उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र का प्रयोग स्वतंत्रता को संरक्षित करने व उसकी वृद्धि करने के लिए होना चाहिए। और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल लिबरल्स पुरानी प्रथाओं परंपराओं को बिल्कुल नहीं मानते थे, जो पुराने हमारे रिचुअल्स हैं उनको ये नहीं मानते थे, और ये इक्वल अपॉर्चुनिटी अवसर की समानता और सामाजिक न्याय की मांग करते थे। आपको इसका आंसर मिल गया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पर्सनल इज पॉलिटिकल इज अ सेंट्रल स्लोगन ऑफ दी, व्यक्तिगत राजनीतिक है एक केंद्रीय नारा है, आपको यहां बताना है किसका है, न्यूलिबरल्स का है, फासिस्ट फासीवाद का है, सोशलिस्ट समाजवाद का है या फेमिनिस्ट नारीवाद का है, बताइए किसका यह स्लोगन है। प्रोबेबली ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपके लिए होगा, पर अगर आपने इसे पढ़ा होगा, इस स्टेटमेंट को पढ़ा होगा थ्योरी में, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये नारीवाद ने ही नारा दिया था 1960 से 1970 के बीच में, जब सेकेंड वेव फेमिनिज्म की चल रही थी,
उस समय का ये नारा दिया हुआ है कि द पर्सनल इज पॉलिटिकल। अब एग्जैक्टली किसने यह नारा दिया ये अभी तक क्लैरिफाई नहीं हो पाया है, पर मेनली कहा जाता है कि ये वर्ड जो है क्वाइन किया गया था, एक एस्से लिखा था कैरोल हानिश ने, उस एस्से का टॉपिक यही था द पर्सनल इज पॉलिटिकल। वहीं दूसरा जो वर्ग है वो कहता है कि इसे सुलामेथ फायरस्टोन ने दिया था। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इसे फेमिनिस्ट के ही थिंकर्स ने दिया था। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो पर्सनल इश्यूज हैं और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अगर हम एक मोटे तौर पर देखेंगे तो इसका मतलब यही है कि जो पर्सनल इश्यूज हैं और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अब नारीवाद किस चीज के सपोर्टर थी ये आपको पता होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ सॉवर्निटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन टू पॉलिटिक्स बाई। संप्रभुता की अवधारणा को पहली बार राजनीति में पेश किया गया था हुगो ग्रोटियस के द्वारा, जीन बोदिन के द्वारा, थॉमस हॉब्स के, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर कोई और था? बताइए संप्रभुता की अवधारणा सबसे पहले राजनीति में किसने पेश की थी, आपको यहां पर यह बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जीन बोदिन जी ने ही सॉवर्निटी का यूज सबसे पहले पॉलिटिक्स में किया था। इन्होंने कहा था कि जो सॉवरेन है वो सुप्रीम है, परमानेंट है, परपेचुअल है, इंडिविजुअल पावर है, सर्वोच्च है, निरंतर है, अविभाज्य शक्ति है, जिसकी शक्ति डिवाइड नहीं की जा सकती, उसके पास ही लॉ मेकिंग सारी पावर है और उसे लॉ बनाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की अनुमति की जरूरत भी नहीं होगी, और हम संप्रभुता को कभी भी बांट नहीं सकते, ये सिर्फ एक पर्सन में हो सकती है या एक पर्टिकुलर ग्रुप में हो सकती है। बोदिन जी की बुक थी जिसमें इन्होंने ये बात लिखी थी, सिक्स बुक ऑफ कॉमनवेल्थ, जो कि 1576 में पब्लिश हुई थी। ये बात है कि इन्होंने अपने संप्रभु को लिमिट करने की कोशिश की थी, जैसे हॉब्स ने तो बिल्कुल भी अपने सॉवरेन को लिमिट नहीं किया था, उन्होंने तो सारी की सारी पावर एक तरह से उसको निरंकुश बना दिया था अपने संप्रभु को, पर बोदिन ने अपने संप्रभु को लिमिट करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि जो संप्रभु है उसको ऐसे रूल करना चाहिए जैसे कि भगवान न्याय करते हैं, वैसे ही एक संप्रभु को भी अपने लोगों के साथ न्याय, एक पूरा न्याय का सिस्टम बनाकर रखना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन, सिविल सोसाइटी इज नॉट अ सेंट्रल कंसेप्ट इन द पॉलिटिकल थॉट ऑफ। नागरिक समाज राजनीतिक विचार में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। FWG हीगल में, या बेंथम, या ग्राम्सी, या फिर लेनिन में? बताइए किसके विचार में नागरिक समाज एक केंद्रीय अवधारणा नहीं थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये तो इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए, अगर आपने इन चारों ही थिंकर्स के बारे में पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्या हीगल ने नागरिक समाज की बात की थी, बेंथम जी ने की थी, या ग्राम्सी, या लेनिन? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेंथम जी ने अपनी विचार में नागरिक समाज को सेंट्रल कंसेप्ट नहीं दिया था, जबकि हीगल जी का मानना था कि राज्य का विकास परिवार से प्रारंभ होता है और परिवार से नागरिक समाज बनता है और नागरिक समाज से राज्य बनता है, यानी सबसे पहले फैमिली, फिर सिविल सोसाइटी और फिर स्टेट। ये हीगल की थिंकिंग थी। फिर देखिए ग्राम्सी आते हैं, ग्राम्सी पहले मार्क्सिस्ट थिंकर थे, पहले मार्क्सवादी विचारक थे जिन्होंने सिविल सोसाइटी को अपने स्टडी के सेंटर में रखा, नागरिक समाज को अपनी विचारधाराओं के केंद्र में रखा। ये मानते थे कि नागरिक समाज का आशय है स्कूल है, चर्च है, यूनिवर्सिटीज हैं, ट्रेड यूनियन है। फिर है लेनिन, लेनिन ने भी सिविल सोसाइटी को अपने स्टडी के सेंटर में रखा। इनकी बुक का नाम आपको पता होगा, इम्पीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जो 1917 में पब्लिश हुई थी। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, ये आपके लिए बताना आसान होगा. वार इज टू मैन व्हाट मैटरनिटी इज टू वुमेन अकॉर्डिंग टू. हिंदी में युद्ध पुरुष के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि स्त्री के लिए मातृत्व के अनुसार. किसका स्टेटमेंट है आपको यहां पर ये बताना है, मुसोलिनी का, नेपोलियन का, मैटरनिक का या फिर बिस्मार्क. ये बिस्मार्क है डी ऑप्शन. बताइए इसका आंसर क्या होगा. देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. ये मुसोलिनी का ही थॉट है. बेनिटो मुसोलिनी इनका पूरा नाम था. ये इटालियन पॉलिटिशियन थे और फाशीवाद के सपोर्टर थे. हिटलर के काफी करीबी भी थे. इन्होंने ही कहा था कि वॉर इज टू मैन व्हाट मैटरनिटी इज टू वुमेन, यानी युद्ध पुरुष के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि स्त्री के लिए मातृत्व. अब ये स्टेटमेंट इन्होंने कब दी थी, जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था. इन्होंने कहा कि यह अपमानजनक है कि जब दूसरे राष्ट्र इतिहास का निर्माण कर रहे हो हम हाथ बांधे खड़े रहें. बस इसी विचार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने भाग लेने का निश्चय किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर इटली ने पार्ट भी लिया. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. देखिए सेवेंथ क्वेश्चन, द प्लुरलिस्ट आर इन फेवर ऑफ, बहुलवादी इसके पक्ष में है. आपको बताना है कि बहुलवादी किसका सपोर्ट करते थे. ए अबॉलिशन ऑफ स्टेट का, राज्य का उन्मूलन, बी क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी, वर्ग विहीन और समाज विहीन का, सी कर्टेलिंग पावर ऑफ अ स्टेट, किसी राज्य की शक्ति काटना, डी फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द पावर ऑफ स्टेट, राज्य की शक्ति का और विस्तार करना. बताइए बहुलवादी किसके सपोर्ट में थे. बताइए इसका आंसर क्या होगा. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी थ्योरी में. आप बताइए कि प्लुरलिस्ट किस चीज का सपोर्ट करते थे. इसका आंसर क्या होगा. ए बी सी डी में से आप बताइए. देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. कर्टेलिंग पावर ऑफ अ स्टेट के फेवर में प्लुरलिस्ट थे. अब इनमें कौन कौन से थिंकर थे. बार्कर, जी डी एच कोल, ड्यूगिट, ये सपोर्ट करते थे इस विचारधारा का. अब इनका मानना था, जो भी बहुलवादी में थिंकर्स थे उनका मानना था कि जो स्टेट है उसके पास सुप्रीम और अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए. ये इसके खिलाफ में थे बिल्कुल, कि किसी एक पर्सन के हाथ में या किसी एक ग्रुप के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए. पावर हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए, डिस्पर्स कर देनी चाहिए. इसलिए इन्होंने ये बात कही थी कि हमें राज्य की शक्ति काटने की ज़रूरत है. इनके अकॉर्डिंग एक बात और थी कि एक अकेला हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन, एक अकेली सबसे ऊंची संस्था राज्य ही नहीं है बल्कि चर्च है, फैमिली है. इन्होंने उसको भी एक माना कि एक सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन ये चर्च और फैमिली भी हो सकते हैं. अब आपको पता चल गया कि प्लुरलिस्ट में थिंकर कौन कौन से थे. बार्कर, जी डी एच कोल, ड्यूगिट, ये इस विचारधारा के सपोर्टर थे कि हमें राज्य की शक्ति काटने की आवश्यकता है. बहुत अधिक शक्ति किसी एक पर्सन या किसी एक ग्रुप के पास नहीं होनी चाहिए. आपको इसका आंसर मिल गया. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. देखिए एट्थ क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलाइटिस हैज बीन यूज्ड बाय, अभिजात वर्ग के संचलन की अवधारणा का उपयोग किसके द्वारा किया गया है. ए है गेटन अमोस्को, बी है विल्फ्रेडो पेरेटो, सी है रॉबर्ट मिचल्स, डी है मैक्स वेबर. अब बताइए इसका आंसर क्या होगा. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए. हर बार चाहे जून का पेपर हो या दिसंबर का पेपर हो, इस टॉपिक से तो एक क्वेश्चन आते ही आते हैं. बताइए इसका आंसर क्या होगा. किसने सर्कुलेशन ऑफ एलाइटिस का कंसेप्ट दिया था. देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. विल्फ्रेडो पेरेटो ने ही सर्कुलेशन ऑफ एलाइटिस का कंसेप्ट दिया था.
अब ये कंसेप्ट था क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए आप क्वेश्चंस लगाया करिए, देखिए क्वेश्चन या तो आएगा या तो नहीं आएगा। आ जाता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं आता तब तो और उससे ज़्यादा अच्छा है। मैं हमेशा कहती हूँ उससे ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आपको अब पता चलेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कि आपने ये पोर्शन छोड़ दिया पढ़ना और उसी से क्वेश्चन आ गया। इसलिए क्वेश्चंस आप लगाया करिए, आता है तो भी और नहीं आता है तो भी, क्योंकि मैं आपको आंसर भी बता रही हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ, इसलिए आप क्वेश्चंस लगाया करिए। जिसको नहीं आता वो भी सारे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश किया करें, और जिसको आता है उसका रिवीजन हो जाएगा। अब इसका आंसर तो क्या हो, देखिए विल्फ्रेडो पेरेटो इसका करेक्ट आंसर है। अब सर्कुलेशन ऑफ एलाइटिस कंसेप्ट क्या था, देखिए पेरेटो जी ने कहा कि समाज में केवल कुलीन वर्ग ने ही शासन किया है, एलाइटिस ग्रुप ऑलवेज रूल करती है सोसाइटी पे, और इन्होंने ये कंसेप्ट अपनी बुक माइंड एंड सोसाइटी में दिया था कि इन्हीं कुछ विशिष्ट लोगों के बीच में ही सत्ता की अदली बदली होती रहती है। सर्कुलेशन जो होता है एक पावर का, वो इन्हीं एलाइटिस ग्रुप में ही होता है। मान लिया कोई एक बड़ा ग्रुप, अभी उसकी गवर्नमेंट बनी है, वो रूल कर रहा है, लोगों ने उसे वोट दिया था और वो वोट जीत करके रूल कर रहा है स्टेट पर। अभी उस लोगों को उसका रूल पसंद नहीं आ रहा है, तो अब लोग क्या करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम वोट होगा तो वो किसी और को वोट देंगे। अब पर वो जब दूसरे को वोट दे रहे हैं तो वो भी विशिष्ट वर्ग का ही होगा, और फिर ये जो एक सर्कुलेशन है, जो एक चक्रीय क्रम है, ये चलता रहेगा कि एक विशिष्ट वर्ग आया, रूल किया, फिर वो वोट से हार गया या उसके खिलाफ कोई क्रांति हो गई, वो चला गया, फिर से एक विशिष्ट ग्रुप ही रूल करने चलाएगा। यही मेन इनका जो कंसेप्ट था सर्कुलेशन ऑफ एलाइटीज में, पेरेटो जी ने कहा था कि एक एलाइट दूसरे एलाइट को रिप्लेस करता है, या एक चीज और होती है कि एक एलाइट आदमी एक नॉन एलाइट ग्रुप में चला जाता है और एक नॉन एलाइट ग्रुप का आदमी एलाइट ग्रुप में चला आता है। अब एलाइट ग्रुप आपको पता ही, मैंने बताया आप कुलीन वर्ग के लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि है, टैलेंटेड हैं, गवर्नमेंट में पावर होल्डर हैं, वही लोग एलाइट ग्रुप में शामिल होते हैं। अब जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस करेगा तो उसके पास सुपीरियर क्वालिटीज होंगी, वो रूल करेगा। यानी कुल मिला करके जो साधारण जनता है वह सत्ता में कभी नहीं आ पाती, यही बात पेरेटो जी ने यहाँ पर कहा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइन्थ क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ लीगल सॉवर्निटी वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम गिवेन बाई, कानूनी संप्रभुता की अवधारणा पहली बार निम्न द्वारा दी गई थी, बताइए किसने दी थी, हॉब्स ने, लॉक ने, बेंथम ने, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी ने नहीं। ये तो इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हॉब्स। हॉब्स ने ही लीगल सॉवर्निटी सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया था। इनका मानना था कि जो सॉवरेन है वो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है। इन्होंने जो अपने संप्रभु को बनाया था सामाजिक समझौते से, उसको इन्होंने ये अधिकार दिया था कि उसी के पास, सिर्फ एक अकेला वो है जिसके पास कानून बनाने की शक्ति होगी। संप्रभु सर्वोच्च शक्तिशाली होगा, असीमित होगा और निरंकुश होगा। इन्होंने अपने संप्रभु को, जैसे मैंने पहले बताया, कि सारी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था और कहा कि संप्रभु का आदेश ही विधि है, यानी सॉवरेन का जो ऑर्डर होगा वही लॉ होगा और लोगों को वो फॉलो करना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए टेंथ क्वेश्चन। With whom of the following is conservatism as a political ideology associated? निम्नलिखित में से किसके साथ रूढ़िवाद एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में जुड़ा हुआ है? ए बुर्क, बी मैकियावेली, सी वाकर, डी सेबाइन। बताइए रूढ़िवाद से कौन कौन से थिंकर इनमें से जुड़े हैं? केवल बुर्क हैं या फिर मैकियावेली और सेबाइन हैं, या बुर्क और बार्कर हैं? बताइए, और ऑप्शन डी भी देख लीजिए, बुर्क, बार्कर और सेबाइन।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। कंजर्वेटिज्म आपके सिलेबस में है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन आप इसका आंसर कर देंगे अगर आपने कंजर्वेटिज्म पढ़ा होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी केवल बुर्के जी ही रूढ़िवाद से संबंधित थे। अब रूढ़िवाद क्या है, इसकी विचारधाराएं क्या थी, इसमें देखिए इसके विचार थे कि ये पारंपरिक मान्यताओं का समर्थन करती है, जैसे धर्म है, संस्कृति है, इनको ये बहुत सपोर्ट करती है रूढ़िवाद की विचारधारा। इनका मानना था कि जिस प्रकार ईश्वर द्वारा प्राकृतिक नियमों के आधार पर इस विश्व का निर्माण किया गया है, ठीक उसी प्रकार इस मानवीय समाज का भी निर्माण किया गया है। ये पुरानी ही परंपराओं को मानते थे और उन्हें ही मानने की सलाह भी देते थे। और कौन से थिंकर इसमें से क्या आंसर आया, बुर्क, ये उसके सपोर्टर थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 11th क्वेश्चन, एवरीथिंग विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, दिस टेनेट हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय, हिंदी में राज्य के भीतर सब कुछ, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, राज्य के ऊपर कुछ भी नहीं, इस सिद्धांत को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। समाजवाद ने किया है, साम्यवाद ने किया है, उदारतावाद ने या अधिनायकवाद ने, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, लिबरलिज्म, टोटलिटरिज्म, बताइए किसका ये थॉट है। अगर आपको ये चारों ऑप्शंस आते होंगे, इनके थॉट्स आते होंगे स्टेट के बारे में, तो आप इसका आंसर आसानी से कर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टोटालिटरिज्म का ही ये थॉट है, अधिनायकवाद का, और ये एक पर्टिकुलरी इस स्टेटमेंट को मुसोलिनी जी ने ही दिया था। अब अधिनायकवाद का ये स्टेटमेंट क्यों था, ये सपोर्ट करते थे कि ऐसी गवर्नमेंट का जहां पर सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके, एक दलीय शासन हो, कोई अपोजिशन की पार्टी ना हो और स्टेट ही सब कुछ कंट्रोल करे, पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ। अब एग्जांपल के लिए अगर आप आज देखेंगे कि किस स्टेट में है ये, किस कंट्री में है, तो ये नॉर्थ कोरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरह का कोई न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं होगा जब तक कि स्टेट की परमिशन नहीं होगी, हर चीज़ में स्टेट के ही थॉट सबसे ऊपर हैं और स्टेट ही सब कुछ कंट्रोल करेगा, पब्लिक लाइफ से लेकर प्राइवेट लाइफ तक, और कोई भी इंडिविजुअल अपोजिशन अपोजिट नहीं, इसका अपोजिट नहीं कर सकता, इसके खिलाफ नहीं जा सकता। आपको इसका आंसर मिल गया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थ्योरेटिक वॉज अ बिटर अपोनेंट ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन राजनीति में फ्रांसीसी क्रांति का कड़वा विरोधी था, बुर्के, टॉकविल, मॉन्टेस्क्यू या रूसो। फ्रेंच रिवोल्यूशन का बताइए किसने विरोध किया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप इन चारों थिंकर के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के खिलाफ कौन था। देखिए इसका करेक्ट आंसर है बुर्क, इन्होंने ही फ्रेंच रिवोल्यूशन का विरोध किया था। इनकी बुक है रिफ्लेक्शन ऑन फ्रेंच रिवोल्यूशन, 1790 में पब्लिश हुई, उसी बुक में इन्होंने फ्रेंच रिवोल्यूशन की कड़ी आलोचना की थी, क्रिटिसाइज किया था फ्रेंच रिवोल्यूशन को। इनके अनुसार राज्य कोई चाय या कॉफी की मशीन नहीं है जिसे इच्छा अनुसार बदल दिया जाए, बल्कि यह वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच समझौता है। एग्जैक्टली बुर्के जी का यही स्टेटमेंट था कि देखिए स्टेट कोई टी या कॉफी नहीं है, कि कोई मशीन नहीं है कि हम उसमें कोई चेंज कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ स्टेट नहीं है, इन्होंने ये कहा था। इसलिए इतना सडन चेंज स्टेट में लाना मुमकिन नहीं है, इसलिए इन्होंने फ्रेंच रिवोल्यूशन का विरोध किया था। और किस बुक में किया था, मैंने आपको बताया रिफ्लेक्शन ऑन फ्रेंच रिवोल्यूशन, 1790 में पब्लिश हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 13th क्वेश्चन में आपको मैच कराना है,
आपको बताना है कि न्याय के बारे में किस थिंकर ने क्या स्टेटमेंट दी थी। जस्टिस एज अ वर्चू ऑफ सोल, आत्मा के एक गुण के रूप में न्याय है। जस्टिस एज इंडिविजुअल राइट्स, जस्टिस एज एन इरेशनल नेशन, जस्टिस एज प्रपोर्शनेट। एरिस्टोटल हैं, कैल्सन हैं, नॉजिक हैं, प्लेटो हैं। मैच कराइए कि जस्टिस के बारे में किस थिंकर के क्या थॉट थे। देखिए एक एक करके आप देखिए। जस्टिस एज अ वर्चू ऑफ सोल, ये किसका स्टेटमेंट है जस्टिस के बारे में? ये प्लेटो जी का स्टेटमेंट है। जस्टिस एज प्रपोर्शनेट, अब आप डी ले लीजिए, ये एरिस्टोटल जी का है। यानी ए का फोर्थ हो गया, डी का फर्स्ट हो गया। अब बी, ये जस्टिस एज इंडिविजुअल राइट की बात नॉजिक जी ने, रॉबर्ट नॉजिक जी ने की थी, और जस्टिस एज इरेशनल नोशन ये कैल्सन ने कहा था। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का फोर्थ है, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसका आंसर मिल गया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 14th क्वेश्चन। फॉर मैन सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस इज द वर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल इज द सेइंग ऑफ, मनुष्य जब कानून और न्याय से अलग हो जाता है तो सभी जानवरों में सबसे बुरा है। प्लेटो ने कहा था, एरिस्टोटल ने कहा था, मैकियावेली ने कहा था, या इनमें से किसी ने भी नहीं कहा था? बताइए ये स्टेटमेंट किसकी है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एरिस्टोटल जी ने ही कहा था कि अगर एक इंसान को लॉ और जस्टिस से अलग कर दिया जाए तो वो जानवरों में सबसे बुरा आदमी है। जैसे उनका पहला स्टेटमेंट था कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, मनुष्य एक राजनीतिक जानवर है, उसी टर्म में इन्होंने एक मनुष्य को जानवर के रूप में कहा कि वो जानवरों में भी सबसे बुरा है अगर वो कानून और न्याय से अलग हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एरिस्टोटल जी ने ये बताने की कोशिश की कि एक व्यक्ति के लिए कानून और न्याय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऑथर हैं और बुक्स हैं, आपको बताना है कि कौन सा गलत है, कौन सी गलत मैच है। आर्डेंट की बुक ऑन रेवोल्यूशन क्या है, गोल्डस्टोन की रेवोल्यूशन क्या बुक है, पार्कर की हिस्ट्री ऑन रेवोल्यूशंस है, और व्हीटक्राफ्ट की द वर्ल्ड एटलस ऑफ रेवोल्यूशन। बुक्स और ऑथर तो हिंदी इंग्लिश में एक ही होते हैं। अब आप इसका आंसर करिए कि कौन सा इनकरेक्ट मैच है। देखिए बुक्स और ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बुक के लिए, मैं आपके एग्जाम के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, इसलिए इसके पहले मैंने वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर्स की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स का एक 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 वीडियो अलग से बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए, क्योंकि बुक्स एग्ज़ाम में बहुत आती हैं, इसलिए आप अच्छे से उन्हें लर्न कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, एग्ज़ाम से पहले आपका अच्छे से बुक और ऑथर तैयार हो जाए। अब इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसमें गलत होगा ऑप्शन सी। पार्कर की बुक हिस्ट्री एंड रिवोल्यूशंस नहीं है बल्कि रिवोल्यूशन एंड हिस्ट्री है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, हिस्ट्री एंड रिवोल्यूशन लिखा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पर रियल नेम बुक का क्या है? रिवोल्यूशन एंड हिस्ट्री। आर्डेंट की बुक ऑन रिवोल्यूशन है, ये मोस्ट लोगों को पता होगी, 1963 में पब्लिश हुई थी। और व्हीटक्राफ्ट की द वर्ल्ड एटलस ऑफ रिवोल्यूशन है, ये भी एक फेमस बुक है, 1983 में पब्लिश हुई थी। उसी तरह पार्कर की बुक रिवोल्यूशन एंड हिस्ट्री है और गोल्डस्टोन की रिवोल्यूशन है। आपको इसका आंसर मिल गया। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे, अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चंस आप सारे लगाया करिए, कमेंट करा करिए कि आपने क्या स्कोर पाया, इससे आप सेल्फ रियलाइज खुद को कर पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करके बताइए, और उस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स शेयर करिए जो यूजीसी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं,
इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस अटेंड करिए। देखिए क्वेश्चन कलेक्शन बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 10, 20 कितने भी क्वेश्चंस फंस सकते हैं, इसलिए आप क्वेश्चंस जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में सारे लगाइए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।